दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी पूरी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं। तो मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पासपोर्ट फोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, स्टार्ट में जाना है, यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एडोब फोटोशॉप 7.0, इस पर क्लिक करते हैं। ये पहला तरीका है सॉफ्टवेयर को ओपन करने का। दूसरे तरीके के अंदर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो आर और यहाँ पर टाइप करना है फोटो शॉप और एंटर कर देना है। तो दो तरीके से सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर इमेज लाना है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, फाइल में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। जहाँ भी आपका फोटो रखा है उस फोटो को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। दूसरे तरीके के अंदर इस स्क्रीन पे आपको डबल क्लिक करना है। जहाँ भी आपके फोटो रखे फोटो को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देंगे। अब फोटो को आपको क्रॉप करना है। क्रॉप के लिए आपको यहाँ पर क्रॉप टूल लेना है। किस साइज़ में आपको पासपोर्ट फोटो बनाना है उसके हिसाब से यहाँ पर साइज़ देते हैं, विड्थ और हाइट। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, किस साइज़ में आपको बनाना है। तो 1.5 उसकी चौड़ाई रखना है और हाइट उसकी रखना है 2 इंच और रिजोल्यूशन रखना है इसका 300। एंटर। इस टूल्स की मदद से फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये आपका फोटो क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के बाद में फोटो का साइज काफ़ी छोटा हो गया है, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पर जूम टूल का यूज़ करते हैं और फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। फोटो आपका ओरिजिनल साइज में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको फोटो को सेलेक्ट करना है, जिसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, कंट्रोल ए, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं। दूसरे तरीके के अंदर आपको जाना है माउस से सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा है कंट्रोल है, यहाँ से भी फोटो को सेलेक्ट करते हैं। अब फोटो के ऊपर बॉर्डर देना है, जिसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है अल्ट ई एस स्ट्रोक और दूसरा तरीका है जिसके लिए आपको एडिट में जाना है, यहाँ पर मिलेगा स्ट्रोक। यहाँ पर स्ट्रोक की सेटिंग है, विड्थ आपको कितनी चौड़ाई रखना है बॉर्डर की, यहाँ पर आपको टाइप करना है 10 पिक्सल। कलर आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, जैसे ब्लू आपको रखना है, रेड रखना है, उसके हिसाब से फोटो का बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लोकेशन है, बॉर्डर आपको किस तरह से चाहिए, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, सेंटर मतलब आधी अंदर आधी बाहर और आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। तो मुझे जो बॉर्डर रखना है वो इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इनसाइड, ओके पे क्लिक करते हैं। बॉर्डर देने के बाद में आपको पैटर्न देना है। पैटर्न देने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका शॉर्टकट अल्ट ई डी से आप पैटर्न दे सकते हैं और दूसरा तरीका है एडिट में जाकर डिफाइन पैटर्न, यहाँ से भी आप पैटर्न दे सकते हैं। पैटर्न का आपको नाम दिख रहा है, आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट ये नाम रख लेता है, फिर भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ओके करते हैं। इसके बाद में आपको न्यू पेज देना है, जिसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है फाइल में जाके न्यू पे आपको क्लिक करना है और दूसरा तरीका है शॉर्टकट कंट्रोल एन, यहाँ से आप न्यू पेज ले सकते हैं। अब आपको साइज़ देना है पेपर साइज़, तो यहाँ पर कस्टम में जाना है। फोटोशॉप के अंदर आपकी जो साइज़ होती है पासपोर्ट फोटो के लिए, शीट चलती है 2x3, 4x6, 5x7 और 8x10, तो इनमें से किसी भी साइज़ को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैन्युअली आपको साइज़ टाइप करना है। जैसे अगर आपको 8 फोटो बनाने हैं तो पेपर साइज़ आपको रखना है 6x4, स्मार्ट फोटो बनेंगे। अगर आपको 16 फोटो बनाना है तो 6x8 रखना है और आपको 32 फोटो बनाना है तो पेपर साइज़ रखना है 12x8, ओके करते हैं। अब फोटो को फिल करने के दो तरीके। पहला तरीका, एडिट में जाना है, फिल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आप पैटर्न पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने पैटर्न बनाया है वो कस्टम पैटर्न में जाकर आपको दिखाई देगा सबसे आखिरी में, उसको आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। दूसरे तरीके के अंदर आपको शॉर्टकट प्रेस करना है शिफ्ट F5, यहाँ से सेलेक्ट करना है पैटर्न और ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका पासपोर्ट फोटो तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।